गाइस, आज मैं आपके लिए साड़ी के साथ फोर वेस्टर्न लुक लेके आई हूँ और ये लुक्स आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब बिना सब्सक्राइब किए यार आप तो चले जाते हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हे गाइस, व्हाट्सअप, दिस श्रुति सिंह, वेलकम बैक टू माई चैनल क्रिएटिव श्रुति स्टाइल। सो लेट्स बिगिन। साड़ी स्टाइल्स के लिए मैंने सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी ली है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना पल्ला सेट करेंगे। पल्ले को लेंथ सेट करके उसमें नॉट बांधकर अपने शोल्डर पर छोड़ देंगे। उसके बाद साड़ी के कॉर्नर को लेकर उसके लास्ट वाले कॉर्नर पे जाके हम यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पल्ले को छोड़कर हम अपनी पूरी साड़ी में प्लेट्स बना लेंगे। आगे सिर्फ उतना ही छोड़ें जो हमारी प्लेट्स पीछे तक आ जाएं। पीछे कमर पर लाकर हम बीचों बीच में ही प्लेट्स को अपनी कमर पर फोल्ड कर देंगे। बहुत ही नीटली आप कमर पर फोल्ड करें। उसके बाद प्लेट्स का कॉर्नर लेकर आगे लाकर उसमें हल्की हल्की प्लेट्स डालकर उसको भी आगे ला के कमर पर फोल्ड कर दें और उसके बाद अपने पल्ले में नॉट सेट कर लें कि आपके शोल्डर पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो लीजिए, ये स्टाइल तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाइल नंबर सेकेंड। यहाँ मैंने साड़ी के बीचों बीच का पार्ट लिया है और उसको अपने नेक पर नॉट बांध दी है। उसके बाद साड़ी का कॉर्नर को लेकर हम यहाँ पे प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स बनाकर उसमें थोड़ा सा गैप देकर हम अपनी कमर पे पीछे ले जाकर इसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद साड़ी के सेकंड वाले कॉर्नर को लेकर हम कमर पर एक राउंड लगाएंगे जिससे हमारी ड्रेस का लुक परफेक्ट आएगा। उसके बाद इसके भी एक कॉर्नर को लेकर हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ प्लेट्स बनाकर जो हमारा पीछे साइड में पहले प्लेट्स हमने फोल्ड की थी उसी के साथ हम इसको भी कमर पर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद कमर पर ये जो दो पार्ट्स हैं इसको भी हम सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने पर्ल की माला ली है जिसको हम मैं एज अ कमरबंद यूज करूँगी। आप भी ट्राई करें जिससे लुक बहुत ही अच्छा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाइल नंबर थर्ड। इसके लिए मैंने कमर पे साड़ी के कॉर्नर को एक राउंड फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गैप देकर हम इसमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पल्ले को छोड़कर बाकी सारी साड़ी की हमें प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाने के बाद इसको हम सेट करेंगे। सेट करके इसको भी हम पीछे कमर पे ले जाकर इसको बीचों बीच में हम फोल्ड कर देंगे। ये याद रखें, कमर पे कोई भी एक्सेस पार्ट ना बचे। इसके बाद हम अपने पल्ले को आगे लाकर प्लेट्स ना बनाते हुए इसको हम ऐसे ही इकट्ठा करेंगे और अपने शोल्डर के लिए एक नॉट तैयार कर लेंगे। नॉट आप तैयार करें तो फ्लोइंग एक लुक आ जाए। तो आप डाल के देखें, अगर आपका सेट ना होता है तो आप जैसे मैंने किया है दोबारा सेट किया है नॉट को, वैसे ही आप दोबारा कर सकते हैं। और लीजिए, ये वाला भी लुक मेरा तैयार है। इस लुक के लिए भी मैंने यहाँ पे पर्ल की माला यूज़ की है। तो इसको हम लेके पल्ले को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम अपने कमर पे इसको राउंड करेंगे और आगे फ्रंट साइड में सेट करेंगे। लीजिए, ये वाला भी लुक मेरा तैयार है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। यहाँ पे आप पल्ले को ऐसे भी रख सकते हैं या आप अपने पल्ले को हाथ पे भी राउंड अप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाइल नंबर फोर। इसके लिए मैंने साड़ी का मिडिल पार्ट लेकर अपनी कमर पर नॉट बांध दी है।
उसके बाद अब एक पार्ट के लास्ट वाले कॉर्नर को हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद इसको हम अपने पैर के नीचे से निकालेंगे और सेट करते हुए आप ये ध्यान रखें नीचे आपके पैर पे एकदम टाइटली फिट आए और अपने राइट वाले शोल्डर पर इसको छोड़ दें। ऐसे ही हम सेकेंड वाले पार्ट के साथ भी ऐसे ही करेंगे और इसको हम लेफ्ट वाले शोल्डर पर छोड़ देंगे। ये याद रखें आपका एक साइड बड़ा होना चाहिए, यानी राइट वाले शोल्डर का आपका पार्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगी वो क्यों। इसके बाद हम ये जो पार्ट के कॉर्नर थे इसको हम पीछे ले जाकर सेट करेंगे और इसमें पिन लगाकर अपनी कमर पर फोल्ड कर देंगे। पिन से मैंने यहाँ पे इसलिए सिक्योर किया है क्योंकि ये बार बार ना निकले और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। अब हम सबसे पहले अपने लेफ्ट वाले शोल्डर के पार्ट को सेट करेंगे। इसको हम प्लेट्स नहीं बनाएंगे, इसको हम ऐसे ही इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने शोल्डर पर इसको डाल के देखेंगे कि फ्लो अच्छा आ रहा है या नहीं। पर इससे फ्लो अच्छा नहीं आ रहा है तो हम इसके नीचे वाले कॉर्नर को लेकर इसको हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सेट करते हुए कि कमर पे आपके फ्लो आ रहा है या नहीं। उसके बाद हम इस पार्ट को लेकर इसमें एक नॉट बांध देंगे जिससे हमारा पल्ला सिक्योर रहेगा और इसको हम शोल्डर पर छोड़ देंगे। हम अपने राइट वाले पल्ले को भी ऐसे ही सेट करेंगे। इसका भी नीचे वाला पार्ट लेकर अच्छे से सेट करते जाएंगे और देख लेंगे आपके पैर की लेंथ और साइड में फ्लो जो आ रहा है वो बराबर या नहीं। दोनों को बराबर करेंगे और लेफ्ट वाले पार्ट के साथ हम राइट वाले पार्ट की एक नॉट बांध देंगे। इससे हमारा लुक बहुत ही अलग आएगा। कमर आप अच्छे से सेट कर लें कहीं पे कम या ज्यादा ना रहे। उसके बाद हम इस पल्ले में भी नॉट बांध देंगे और पल्ले को अपने शोल्डर पर छोड़ देंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर दूसरी स्टाइल है पल्ले के जो है उनका एक पार्ट लेकर अपनी कमर पर फोल्ड कर दें। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को भी फोल्ड कर दें जिससे आपका एक डिफरेंट लुक तैयार हो जाएगा। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।